हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 12 दिसंबर बात करेंगे येस बैंक के बारे में। आज येस बैंक में तकरीबन 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने के लिए मिली है। चूँकि लगातार कई दिनों से हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पर, यहाँ देखिएगा आज हमारी एक कैंडल बनी है जो कहीं ना कहीं आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। अब चूंकि यहाँ मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, चूँकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि देखिए, चूंकि बुल्स ने प्राइस को ज़रूर संभाल के रखा है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिएगा बेयर्स यहाँ जाकर कहीं ना कहीं हावी होते हुए हमको दिखाई पड़े हैं। यानी कि देखिए, बेयर्स अभी भी कहीं ना कहीं न्यूज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट करके ही पैसा बना रहे हैं। चूँकि यहाँ पर न्यूज़ का जो मार्केट है वो इतना ज़्यादा गर्म है कि यहाँ दुनिया भर की फालतू की न्यूज़ आ चुकी हैं। जैसे कि देखिएगा, मैक्वेरी ने कहा कि यस बैंक को PSU एक्वायर कर लेगा। अब चूँकि यहाँ पर आप देखिएगा कि मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि कोई भी PSU बैंक टेक ओवर नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। अब देखिए ये न्यूज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं और फ़ायदा किन को होता है, सिर्फ शॉर्ट सेलर्स को, क्योंकि देखिए शॉर्ट करके पैसा कमाना काफ़ी इजी होता है बजाय यहाँ पर लॉन्ग करके। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए कल की तारीख में, यानी कि हम बात करते हैं कि 12 दिसंबर को हमारा एक हाई बनता है 48.80 का, यानी कि कहीं ना कहीं हमने एक हाई तो बनाया है, लेकिन ये वही हाई है जहाँ पर कहीं ना कहीं पहले हम एक रेजिस्टेंस फेस किया करते थे। अब चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं कल की तारीख में जो ट्रेड हुआ है वो देखिएगा तकरीबन 39 करोड़ 81 लाख से ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, और देखिएगा 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की डिलीवरी, यानी कि तकरीबन 10% से भी कम हमारी डिलीवरी हुई है। यानी कि लोग अभी कहीं ना कहीं हाथ नहीं खोल रहे हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन चेन को जाकर देखेंगे तो देखिएगा यहां पर आपको बेसिकली अनवाइंडिंग ही देखने के लिए मिलेगी, और देखिएगा कॉल में ये जो आपको यहां पर कॉल बाय होती हुई दिखाई दे रही है इन दो स्ट्राइक पर, कहीं ना कहीं ये हेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि अब यहां पर कुछ एक मिजाज बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर अब पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स, जो एक खेल चल रहा था काफी दिनों से, जो न्यूज की गहमा गहमी थी, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के क्लेरिफिकेशन के बाद अब ठंडी होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यहां पर अब ये चीजें बिल्कुल सामने आ चुकी हैं कि देखिएगा ये जो यस बैंक की फंड रेजिंग है उसमें देखिएगा फैमिली ऑफिसेस को जगह नहीं दी जा रही है, जिसके जरिए $1.75 बिलियन के लगभग यस बैंक जुटाए गा। यानी कि इरविन सिंह और आदित्य बिरला फैमिली, इनको देखेगा स्टेक्स नहीं मिलेंगे, इस तरीके की बात सामने आ चुकी है। तो अब चीज़ें जिस तरीके से क्लैरिफाई होती जाएंगी, आप देखिएगा लोग कहीं ना कहीं खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो देखिएगा शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब चूंकि यहां पर न्यूज़ इतनी सारी है, यहां पर आपको देख के पता चलेगा कि किस किस तरीके की न्यूज़ बनाई गई है। जहां पर देखिएगा SBI को भी बीच में लाया गया कि SBI एड देगा यस बैंक को, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं देगा। यानी कि देखिए पूरी तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, पहले एक पॉजिटिव न्यूज बनाओ और उसको देखिएगा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डलवा दो, यानी कि एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि जो चीज पहले हो ही नहीं रही थी, पहले उसको होता हुआ दिखाओ और उसके बाद उसको डिनाई कर दो, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनेंगे यस बैंक को लेकर। तो ये इस तरीके का खेल है जो पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। आप देखिएगा थोड़ा धीरज रखिएगा, यहां पर पूरी तरीके के न्यूज के कारण और ये जो फंड रेजिंग के प्लान में इरविन सिंह, इन लोगों को स्टेक्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप इनकी क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं RBI के जो क्राइटेरिया है उस पर खरी नहीं उतरती है, जिसके कारण ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल रही है। यहां गिरावट का मूल कारण है देखिएगा फंड रेजिंग जिस तरीके से आनी चाहिए थी यस बैंक में, यानी कि फंड्स की जरूरत है यस बैंक को और वो कहीं ना कहीं यस बैंक में आते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कारण से देखिएगा ये गिरावट बन रही है, और इस गिरावट में जिस तरीके की तेजी देखने के लिए मिली है वो पूरी तरीके से न्यूज बेस्ड है। तो आपको इस चीज को समझना होगा, यहां पर यस बैंक की तरफ से कोई कारण नहीं बना है, आपको इस चीज को समझना होगा। उनके फंडामेंटल्स पे इस तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, हालांकि वो पैसा आता, यानी कि फंड अगर अच्छा खासा यस बैंक में आएगा तो जाहिर सी बात है उनकी जो एक बॉटम है वो काफी अच्छा बन पाएगा। लेकिन जिस तरीके से फंडरेजिंग के लिए भी गिल साहब ने भी बोल दिया है कि $500 मिलियन के लगभग वो फंडरेजिंग लेकर आएंगे, वो उसको करा लेंगे, उसके बाद भी बी और सी प्लान उनके पास मौजूद है। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए, पहले भी गिल साहब पर जिन लोगों ने भरोसा किया है उस चीज को हम देख चुके हैं, और अभी भी आप देख लीजिएगा कि यहां पर जितनी भी कहानी है उसे पलटने में देर नहीं लगेगी। आज की तारीख में अधिकांश लोग सिर्फ शॉर्ट करके ही पैसा बनाते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा।
होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड का ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।